हे स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं शिवानी शर्मा आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं सो so, स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास के जी टू तो क्लास ट्वेल्थ प्लस डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं

अगर आप सब लोगों को ये बुक्स एंड ई बुक्स चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म आपको मिलेगा ओके okay? उस फॉर्म को आप फिल कीजिएगा हमारी टीम बहुत ही जल्दी आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगी नाउ स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज ओवर व्यू ऑफ ट्वेल्व पॉइंट टू आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर ट्वेल्व लीनियर प्रोग्रामिंग और इसमें भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्व पॉइंट टू एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्या है उस कंसेप्ट को समझेंगे ओके अच्छा ट्रस्ट मी अगर आप लोगों ने ट्वेल्व पॉइंट वन एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व किया है उसके ओवरव्यू को देखा है तो आप लोग एकदम तैयार हैं ट्वेल्व पॉइंट टू एक्सरसाइज के क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए लेकिन सवाल ये उठता है कि 12.2 एक्सरसाइज में ऐसा नया किया है तो बेसिकली यहाँ पे नया मिलेगा आपको फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोगों को एक स्टोरी प्रॉब्लम दी जाएगी उस स्टोरी तो प्रॉब्लम को आपको रीड करना है और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट्स आपको वहाँ ऑलरेडी गिवन होते थे इन एक्सरसाइज 12.1 उन सभी कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को आपको खुद डी करना है स्टोरी प्रॉब्लम को रीड करके और उन सबको बनाना है राइट एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैम राइट तो यहां पे बस एक एक्स्ट्रा काम आपका बढ़ गया है वो काम क्या है कि आप लोगों को एलपीपी को फॉर्मुलेट करना है और सॉल्व करने का तरीका तो वही है जो हमने 12.1 में सीखा था तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है आओ जरा स्टार्ट करते हैं इसको तो सबसे पहले बेसिकली जब आप स्टोरी प्रॉब्लम्स को देखोगे ना तो आप लोगों के सामने ना तीन ही टाइप की स्टोरी प्रॉब्लम होगी सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे देन डाइट प्रॉब्लम राइट डाइट प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सो इन्ही टॉपिक पे बेस्ड आप लोगों के सामने स्टोरी प्रॉब्लम्स आएगी आपको रीड करना है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड कंस्ट्रेंट्स को डी करना है इनका फॉर्मुलेशन करना है सोल्यूशन का तरीका ग्राफिकली है जो आपने 12.1 एक्सरसाइज में सीख रखा है ओके तो इसीलिए कह रही हूँ अगर 12.1 एक्सरसाइज आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो 12.2 में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप बहुत जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे ओके यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेशन क्योंकि सोल्यूशन तो आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है अब सबसे पहले ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स कैसी होती है देखो कोई भी आपको ऐसा तो नहीं कहने वाला कि राइट अ शॉर्ट नॉट ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स लेकिन आपको पता होना चाहिए जब ये चैप्टर रियल लाइफ पे बेस्ड है इसका एप्लीकेशन होता है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स किस टाइप की होती है डाइट प्रॉब्लम्स क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या चाहते हैं ये लोग ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम इस टाइप में इसमें क्या क्वेश्चन होते हैं क्या कंस्टेंट बन सकते हैं किस तरीके का आपके सामने स्टोरी प्रॉब्लम होगा तो इन दीज प्रॉब्लम्स वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच शुड बी प्रोड्यूस्ड यहाँ पे हम क्या करते हैं हम डिटरमाइन करते हैं कि कितने हमें यूनिट्स बनाने हैं किसी प्रोडक्ट के ओके विच शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय अ फर्म व्हेन ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ फिक्स्ड मैन पावर मशीन आर्स लेबर आर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली कंस्टेंट्स में क्या होगा आपको कुछ मशीन्स दे देंगे बोल देंगे कि ये जो मशीन्स हैं ये इतने समय के लिए ही आप लोगों के पास अवेलेबल हैं आपको यहाँ पे कॉस्ट को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो कितने प्रोडक्ट्स बनने चाहिए इस तरीके की स्टोरी प्रॉब्लम आप देखेंगे ठीक है तो कितना स्पेस कम लगे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखना है इन ऑर्डर टू मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आपका टारगेट रहता है कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी उन रेस्ट्रिक्शंस के तहत आपको अपने प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में ओके नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डाइट प्रॉब्लम्स तो डाइट प्रॉब्लम्स में क्या होगा वी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिय विच शुड बी इंक्लूडेड इन अ डाइट सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द डिज़ायर डाइट आप सोचते हैं कि हम कितने इसमें क्या मिनरल्स ऐसे डाल सकें क्या न्यूट्रिएंट्स ऐसा डाल सकें सो दैट जो कॉस्ट है उस डाइट की आप उसे मिनिमाइज कर सकें सच दैट इट कंटेन्स अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ ईच कंस्टिट्यूट या न्यूट्रिएंट्स अच्छा जब आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे ना तो आप फॉर्मूलेशन में सबसे पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है डी करना बस डी करना कि कहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं और क्या आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है जब आप रीड करोगे ना चीज़ें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आप बोल रहे हैं कि यह मशीन है आपको प्रोडक्ट बनाना है और ये जो मशीन है ना ये एटलीस्ट इतने आर्स के लिए या एटमोस्ट इतने आर्स के लिए अवेलेबल है बताओ आप अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ करोगे आपको एक मिक्सचर बनाना है एक फूड का ठीक है इसमें फूड बी या फूड क्यू को मिक्स करना है लेकिन ऐसा मिक्स करना है कि जो वाइटामिन ए है वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए वाइटामिन बी इतना होना चाहिए बताओ कि आप कैसे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पे ओके राइट और ट्रस्ट में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना आप बहुत आसानी से डिकोड कर लोगे बहुत ही सिंपल है एक तरीका होता है उस तरीके को फॉलो करो सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं राइट ओके अब बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स देखो बहुत रेयर चांस होता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पूछा जाए लाइक like, अगर आप पास्ट ईयर के पेपर्स देखें तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत ही रेयर चांस में आप देखेंगे कि कभी आया हो लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में आएगा वहाँ पर हम इसे डिस्कस कर लेंगे ठीक है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर रहा है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया हो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन डाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में आते हैं मतलब इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन जैसे ही आपके एक्सरसाइज में आएगा मैं आपको वहीं पे उसे डिस्कस करके सॉल्व करवा दूंगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चाहता क्या है ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल ऑर्डर टू फाइंड द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेशन टू डिफरेंट मार्केट्स तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होगा फैक्ट्री में कोई सामान बना है आपको डिफरेंट मार्केट तक पहुंचाना है तो आप सोचते हो कि सबसे छोटा रूट क्या मिल जाए या फिर कितने आ, कैसे किस तरीके से किस रास्ते को आप फॉलो करें और आप मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने पैसे को बचा सकें तो यही तो सोचोगे सोच लो आप कहीं ट्रांसपोर्टेशन का काम है ठीक है फैक्ट्री से ले आपको मार्केट तक सामान पहुंचाना है तो आपके दिमाग में क्या कंस्ट्रेंट्स आएंगे तो उन्हीं सब कंस्ट्रेंट्स के थ्रू आपको यहाँ पे बनाना है अपना फॉर्मूलेशन करना है एलपीपी का राइट right, तो इसमें क्या है कि वी डिटरमाइन अ ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल इन ऑर्डर टू फाइंड द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अ प्रोडक्ट कौन से रास्ते से मैं जाऊं क्या सबसे आ, सस्ता तरीका रहने वाला है कि मैं अपने इस प्रोडक्ट को फर्म से इंडस्ट्री से मार्केट तक पहुंचा दूं तो मतलब आप डिफरेंट तरीके सोचते हो यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसके लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है इसलिए शायद ही पेपर में नहीं पूछा जाता बट सिंपल है जैसे एक क्वेश्चन आएगा हम इसे भी डी करेंगे अच्छा इस वीडियो में जो हमारा पूरा टारगेट रहने वाला है वो ये है कि आपके सामने ये जो इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी प्रॉब्लम्स आएगी ना इन स्टोरी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे ठीक है मैंने आप लोगों को कहा अगर आपने 12.1 एक्सरसाइज पढ़ी है और जल्दी से मुझे बता दो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी अगर 12.1 एक्सरसाइज आपने नहीं सॉल्व किया है तो आपको सबसे पहले सबसे पहले 12.1 एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन भले ही आपको कितने सिंपल क्यों ना लग रहे हो लेकिन आज अभी उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ठीक है टाइम लेते हैं ये क्वेश्चन लेकिन एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है और जब वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ना तो यहाँ पे ज़्यादा दुख नहीं बचेगा आपकी लाइफ में यहाँ पे बस आपको फॉर्मुलेशन करना है सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि 12.1 एक्सरसाइज के सभी दस क्वेश्चन ओके वन से लेकर टेन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे सब में डिफरेंट पैटर्न है अगर वो सीख गए आप तो आप कोई भी एलपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ओके okay? चलो अब इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं हमारा टारगेट है रीड करके फॉर्मुलेट करना अपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस तो हम सब जानते हैं वो तो कॉमन ही होता है वो तो हर जगह लिखना ही है तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होने वाला है और हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या होने वाले हैं ये पढ़ के हमें वो डी करना है ठीक है चलो रीड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का एग्जाम्पल है ये तो क्वेश्चन कहता है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल्स ए एंड बी ऑफ अ प्रोडक्ट ठीक है इतना आपने पढ़ लिया आपने क्या समझा कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दो प्रोडक्ट बनाती है ए एंड बी तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए प्रोडक्ट बना रही है और बी प्रोडक्ट बना रही है ठीक है यहाँ पे आप एक साथ अगर क्वेश्चन को रीड करोगे ना वैसे पता है इस क्वेश्चन को टारगेट करने का सही तरीका क्या होता है आप ना एक बार रीड कर लो पूरे क्वेश्चन को ठीक है अपनी रीडिंग स्किल्स को चेक कर लो कैसी है ठीक है बस एक बार रीड करो चलो फटाफट रीड करते हैं अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल्स ए एंड बी ऑफ अ प्रोडक्ट

मतलब ये जो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी है इनमें फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग के लिए कुछ कुछ समय लगता है ठीक है जी फिर क्या लिखा है आगे फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्मम लेबर आर्स अवेलेबल आर वन एट्टी एंड थर्टी रिस्पेक्टिवली यानी यहाँ पे कहीं पाबंदी है कुछ रिस्ट्रिक्शन है आप बना रहे हो प्रोडक्ट बनाते रहो आपका प्रोडक्ट ए है प्रोडक्ट बी है प्रोडक्ट ए को फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग से गुजरना होता है फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग कौन कर रहे हैं आपके लेबर कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऑल टाइम उनसे फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग का काम करवाते रहोगे नहीं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है क्या रेस्ट्रिक्शन है कि फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्म लेबर आर्स अवेलेबल आर वन एटी एंड थर्टी रिस्पेक्टिवली मैक्सिमम इतने ही आर्स अवेलेबल है आपको अपने कंपनी में दो प्रोडक्ट बनाना है उनको फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग से होकर गुजरना है अगर उन्हें फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग से होके गुजरना है तो ये जो काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतने समय के लिए ही आपके ऑफिस में अवेलेबल है मैक्सिमम लेबर आर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30 रिस्पेक्टिवली आप इससे ज्यादा कि समय पे इनसे काम नहीं करवा सकते हो इट इज अ रेस्ट्रिक्शन राइट तो जहां रेस्ट्रिक्शन होता है वहां कंस्ट्रेंट बनता है इस बात को आपको समझना है आगे रीड कीजिए द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज एट थाउजेंड ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए कंपनी प्रॉफिट कमाती है आठ हजार रुपये का ईच पीस ऑफ मॉडल ए मॉडल ए के हर एक पीस पे आठ हजार रुपए का प्रॉफिट है मतलब अगर एक मॉडल ए आपने बनाया तो आपके पास एट थाउजेंड रुपीज आ रहे हैं उसके बाद रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल बी और हर एक मॉडल बी के लिए एक मॉडल बी के लिए बारह हजार रुपए कंपनी को मिलते हैं हाउ मैनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज अ मैक्सिमम प्रॉफिट आपको क्या मैक्सिमम करना है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है आप ऑप्टिमाइजेशन करते हो ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन तो यहां पे आपको अपने तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमम प्रॉफिट ठीक है वॉट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है आपको यह बताना है तो जब इस क्वेश्चन को आपने रीड किया ना तो आपको एक आइडिया हो गया कि बेसिकली एक कंपनी है दो प्रोडक्ट बना रही है प्रोडक्ट फैब्रिकेटिंग फिनिशिंग से होके गुजरता है और ये जो प्रोडक्ट है ना इनमें फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग के लिए जो लेबर आर्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है इतने समय पर ही आपको करना है और फिर जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमाती है तो आपको बताना है कि वॉट इज द हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर पर वीक टू रियलाइज अ मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा कंपनी तो एक है तो दोनों के जो प्रॉफिट एक एक प्रोडक्ट पे आ रहे हैं अब मान लो कि इसने एक्स प्रोडक्ट बनाया जो ए टाइप के हैं वो एक्स बने जो बी टाइप के हैं वो वाई बने तो इन पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा आठ हजार एक्स प्लस बारह हजार वाई तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो वो क्या होगा आठ हज़ार एक्स प्लस बारह हजार वाई ठीक है और उसके बाद हमें बताना है कि कितने मैन्यूफैक्चर किए तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है ओके okay? तो आई होप कि कहानी तो क्लियर हो गई है अब क्या करेंगे आप अब आप इसे टेबल के फॉर्मेट में बनाएंगे हमेशा याद रखिएगा स्टोरी प्रॉब्लम्स चैप्टर ट्वेल्व में जब ही भी आए आपको टेबल बनाना होता है ठीक है तो जब इतना क्वेश्चन आपने रीड किया तो हम समझ गए थे कि दो टाइप के प्रोडक्ट हैं प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी और ये होके गुजरते हैं दो कामों से पहला काम है फैब्रिकेटिंग फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग आपको दो काम इसमें करना होता है फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग ओके इसके बाद अब यहां पे कुछ अवेलेबिलिटी भी है कि फैब्रिकेटिंग के लिए आपके मशीन कुछ समय के लिए अवेलेबल है फिनिशिंग के लिए आपकी मशीन आर कुछ समय के लिए अवेलेबल है उसके बाद आपको प्रॉफिट गिवन था तो प्रॉफिट पर प्रोडक्ट प्रॉफिट पर पीस है ना चलो पर प्रोडक्ट ये सारी चीजें आपको गिवन है अब हमें इस डेटा को फिल करना है राइट तो हमारे पास क्या क्या है हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं कुछ अवेलेबिलिटी है मशीन्स की ठीक है जी उसके बाद कंप्लीट करो और क्वेश्चन को खत्म कर लो आप सबसे पहले टू मॉडल ए रिक्वायर्स नाइन लेबर आर्स फॉर फैब्रिकेटिंग ए के हर पीस को नाइन लेबर आर्स लगते हैं फैब्रिकेटिंग के लिए एंड वन लेबर आर फॉर फिनिशिंग के लिए एक लेबर आर लगता है ठीक है तो मॉडल ए को फैब्रिकेटिंग के लिए अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो नाइन लेबर आर्स लगता है और अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिनिशिंग के लिए एक लेबर आर लगता है ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स ट्वेल्व लेबर आर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड थ्री लेबर आर्स फॉर फिनिशिंग ठीक है टेबल कंप्लीट किया हमने उसके बाद द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30 रिस्पेक्टिवली जो मैक्सिमम लेबर आर अवेलेबल है फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग के लिए वो कितने कितने हैं वन एटी एंड वन थर्टी इसका मतलब दिस इज लेस देन इक्वल टू एक सौ अस्सी लेस देन इक्वल टू तीस क्या ये बात समझते हैं कि जो मैक्सिमम लेबर आर्स अवेलेबल हैं आपके पास फैब्रिकेटिंग या फिनिशिंग के लिए वो एक सौ अस्सी और तीस है मैक्सिमम आप एक सौ अस्सी से ज़्यादा फैब्रिकेटिंग का काम नहीं करवा सकते आप तीस आर से ज़्यादा फिनिशिंग का काम नहीं करवा सकते मैक्सिमम है कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इतना ही जाना है आपको ठीक है तो यहाँ पे ऐसा साइन बनेगा ये सिर्फ आपने अपने समझने के लिए बनाया फिर हटा देना ठीक है इसके बाद द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज एट थाउजेंड ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए मॉडल ए पे आपने आपकी जो कंपनी है वो एट थाउजेंड का प्रॉफ़िट कमाती है मॉडल बी पे आपकी जो कंपनी है वो बारह हज़ार का प्रॉफ़िट कमाती है ठीक है अब आपको क्या बताना है हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज अ मैक्सिमम प्रॉफिट एक हफ्ते में कितने मॉडल ए और मॉडल बी के प्रोडक्ट बनने चाहिए तो हमने कहा कि मॉडल ए के एक्स प्रोडक्ट बनने चाहिए मॉडल बी के वाई प्रोडक्ट बनने चाहिए एक हफ्ते में ठीक है और फिर बता दो कि क्या आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले हम एक्स एंड वाई को डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे स्टेबल को बनाने के बाद कि लेट Let X and Y be the number of let X and Y be the number of uh, model and hey no? a number of pieces, number of pieces of model A and model B be manufactured. बी मैन्युफैक्चर वीक ठीक है जी तो ये आपको डिफाइन करना है कि लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ पीसेस मॉडल ए एंड मॉडल बी बी पर वीक ओके उसके बाद आप अपने डायग्राम में भी लिख देना कि ए के एक्स पीस बने हैं बी के वाई पीस बने हैं अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट तो आप लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट यानी कि आप लिखेंगे मैक्सीमाइजेड इज इक्वल टू एक पीस पे आठ हजार का प्रॉफिट है आपको हफ्ते का प्रॉफिट निकालना है तो आपने बोला कि आपने एक वीक में एक्स बनाए हैं ए तो कितना प्रॉफिट कमाया होगा आठ हजार एक्स तो यहां पे लिखोगे आप एट थाउजेंड एक्स प्लस क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट बताना है आपको अब एक पीस पे बारह हजार रुपए कमाते हो आप आपने एक हफ्ते में वाई बनाए हैं तो कितना कमाया आपने बारह हजार वाई तो आप लिखेंगे ट्वेल्व थाउजेंड वाई तो ये हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ पाबंदी है पाबंदी क्या है आप लिखेंगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू Constraints. Constraints क्या है यहाँ पे सबसे पहले फैब्रिकेटिंग के लिए कुछ हैं क्या कि एक अगर आप ए मॉडल का एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो नाइन आर्स लगते हैं इसमें बी का एक प्रोडक्ट बनाते हो तो बारह आवर्स लगते हैं तुम्हारी कंपनी भी एक है फैब्रिकेटिंग के लिए ओवरऑल समय तुम्हारे पास मैक्स टू मैक्स एक है मतलब फैब्रिकेशन पे लगा है पाबंदी फैब्रिकेशन पे है कंस्ट्रेंट तो आप यहां से बनाएंगे एक पहला कंस्ट्रेंट तो पहला कंस्ट्रेंट क्या होगा आपने कितने बनाए हैं एक एक्स बनाए हैं तो अगर एक बनाने में नाइन फैब्रिकेटिंग लेबर आर्स लगते हैं तो आपको एक्स बनाने में कितना लगेगा नाइन एक्स लगेगा एक बनाने में बारह लगते हैं अगर मॉडल बी का एक प्रोडक्ट बनाते हो तो फैब्रिकेशन के लिए बारह लेबर आर्स लगते हैं आपने बनाना है वाई तो कितना लगेगा ट्वेल्व वाई और तुम्हारी कंपनी तो एक ही है ना तो फैब्रिकेशन के लिए मैक्स टू मैक्स तुम्हारे पास कितना टाइम अवेलेबल है 180 सौ उससे ज्यादा टाइम नहीं है तो आप क्या कहेंगे जो पहला कंस्टेंट बनेगा दैट विल बी नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई लेस देन इक्वल टू एक सौ अस्सी आप लिखेंगे नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई लेस देन इक्वल टू वन एटी क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि लेस देन इक्वल टू का ही साइन क्यों नहीं आया क्योंकि एज अ स्टूडेंट ठीक है ट्वेल्थ क्लास में यहाँ पे ये डाउट आते हैं ठीक है थीके? कभी कभी लगता है मैम ये क्या है ये समझ नहीं आया आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि मैक्सिमम तुम्हारे पास 180 लेबर आर है तुमको बनानी है इनक्वालिटी क्योंकि कंस्टेंट्स में बनती है इनक्वालिटी ठीक है फैब्रिकेशन के लिए उस कंपनी वाले के पास कितने लेबर आर अवेलेबल हैं साफ साफ का मैक्सिमम 180 एक लेबर आर मतलब 180 से ज़्यादा तुम फैब्रिकेशन के काम के लिए अपना टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते कम होगा वो तो समस्या नहीं है लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते मैक्सिमम 180 है तुम्हारे पास ऐसा बोलते हैं ना कि आज स्कूल नहीं प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए स्कूल में आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो प्रोजेक्ट सबमिट करने की मैक्स टू मैक्स डेट मंडे है तो क्या आप ट्यूजडे को सबमिट करोगे नहीं आप मंडे तक सबमिट कर सकते हो तो यहाँ पे भी वही है कि मैक्सिमम लेबर आवर्स फैब्रिकेशन के लिए 180 एटी आवर्स है वन आवर्स मतलब क्या या तो एक सौ अस्सी में करो या तो एक सौ अस्सी कम ग्रेटर देन का, का साइन नहीं आएगा अगर ये समझ में आ गया तो आप खुश हो सकते हो क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में एल पी पी में ना यही परेशान करता है और अगर ये क्लियर है तो कोई समस्या नहीं है ओके okay? चलो अगली जो पाबंदी है अगला जो रेस्ट्रिक्शन है वो फिनिशिंग के टाइम पे है मैंने कहा ठीक है सेम ही बनाना है मैक्सिमम फिनिशिंग के लिए कितना लेबर आ रहा है तीस आप जानते हैं अगर मॉडल ए का एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिनिशिंग के लिए वन लेबर आर लगता है आपको बनाना है एक्स तो कितना हो जाएगा वन इंटू एक्स एक्स प्लस इसकी भी फिनिशिंग करनी है एक बनाते हो तो तीन लेबर आर लगते हैं आपको बनाना है वाई तो आप लिखेंगे थ्री वाई सो दिस इज थ्री वाई और मैक्स टू मैक्स फिनिशिंग के लिए जो लेबर आरस आप लोगों के पास है दैट इज थर्टी ओके जी क्लियर है ये इसके बाद ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को नेगेटिव में तो नहीं बनाएंगे ना तो ये रही आपकी एल ठीक है दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये उसके कंस्ट्रेंट्स हो गए सब कुछ क्लियर है ओके okay. तो बस यही काम करना है आपको ये जो स्टोरी प्रॉब्लम दी जाती है इसको रीड करके एक बार मतलब सिंपल रीडिंग कर लो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ठीक है और अगर आप देखोगे ना तो बुक से ही आ जाते हैं ज़्यादा डिफिकल्टी पूछते ठीक है तो जब आप इन्हें रीड करोगे पहली रीडिंग में समझना कि क्या क्या है उसके बाद आप टेबल बना लेना राइट? और अगर ये टेबल बन गया तो 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 आपको सॉल्व कर करना है, करना है। करने के लिए, 12th में, के अलावा कोई और मेथड नहीं है तो आपको ग्राफिकल मेथड की ही हेल्प लेनी पड़ेगी तो सबसे पहले अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ ग्राफिकल मेथड की हेल्प लेते हैं ठीक है तो आपके पास जो कंसेंट है आओ इनको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है पहले इसको लिखते हैं अपन सो वी हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज so करना है हमें z को एट थाउजेंड एक्स प्लस ट्वेल्व थाउजेंड वाई ठीक है ट्वेल्व थाउजेंड है ट्वेल्व थाउजेंड यस ट्वेल्व थाउजेंड वाई सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई लेस देन इक्वल टू एक सौ अस्सी और उसके बाद x प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू थर्टी यही था क्या x प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू थर्टी और आपकी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो y greater than equal to zero, ठीक है जी? 9x plus 12y less than equal to 60, और फिर x plus 3y less than equal to 30, and आपको objective function सब तैयार है। पकड़ते हैं सबसे पहले constraint हो, पहला constraint है आपके पास, अब मैं solution बता रही हूँ आपको, ठीक है? 9x plus 12y less than equal to 180 क्या करते हैं हमेशा मैम कंस्टेंट्स को प्लॉट किया जाता है तो ये इनईक्वालिटी है इसको इक्वालिटी बनाइए इक्वालिटी कैसे बनाएंगे नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू एक सौ अस्सी बस इज इक्वल टू का साइन बनाने था राइट right? कॉमन ले लें क्या चलो थ्री कॉमन ले लेते हैं थ्री कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू थ्री सिक्स एटीन जीरो ठीक है जी ये इसी का पार्ट है बस कॉमन ले लिया हमने तीन थ्री कॉमन लिया तो थ्री एक्स प्लस फोर वाई थ्री सिक्स एटीन अब अब क्या करेंगे अब टेबल बनाएंगे टेंथ क्लास वाला तो ये रहा आपका टेबल यहाँ पे x यहाँ पे y। चलो जी x को जीरो ले लो तो y क्या आएगा सिक्सटी अपॉन फोर तो आप कहेंगे फोर वन ज़ा फोर फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी है ना फोर वन जा फोर फाइव सिक्स फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी वाई को जीरो लिया तो ये क्या आएगा एक्स थ्री वन जा थ्री टू जा सिक्स ज़ीरो तो आपने इस कंस्टेंट को सॉल्व कर लिया राइट right. अब चलते हैं अपने दूसरे कंस्टेंट की तरफ दूसरा कंस्टेंट क्या है आपका x प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू थर्टी एक्स प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू थर्टी इन इक्वालिटी है चलो इक्वालिटी में कन्वर्ट करो एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टी बन जाएगा इसके बाद आप बनाएंगे बॉक्स ये रहा x ये रहा y x जीरो है तो y टेन y जीरो है तो x थर्टी ठीक है ये काम हो गया अब क्या करना है आपको कंस्टेंट्स आपने इक्वेशंस में कन्वर्ट किया और आपने पॉइंट निकाल लिया 12.1 हमने सीखा है अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे चलो जी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने की तैयारी में लग जाते हैं यहाँ पे ये रहा आपकी y एक्सिस ठीक है इधर ही बनाता हूँ क्या ग्राफ बन जाएगा चलो यहाँ बनाते हैं बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं ये रही आपकी y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस ठीक है कैसे पॉइंट लू मैं यहाँ पे मैम आप ले सकते हैं पांच पांच का गैप ले लो ठीक है चलो पांच पांच का गैप लेते हैं ये रहा ओरिजिन दिस इज फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी एंड ये रही आपकी एक्स एक्सेस इधर आ जाओ यहाँ पे भी ले लो पांच पांच का गैप पांच दस पंद्रह बीस ट्वेंटी फाइव थर्टी एंड ये रही आपकी वाई एक्सेस ठीक है आपको ग्राफ पेपर पे काम करना है अब क्या करोगे आप अब हम पहली वाली लाइन को पकड़ेंगे और इसके पॉइंट बनाएंगे जीरो कॉमा फिफ्टीन तो जीरो कॉमा फिफ्टीन यहां पे ट्वेंटी कॉमा जीरो तो ट्वेंटी कॉमा जीरो यहां पे अब क्या करो ज्वाइन कर दो इन दोनों लाइन्स को इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो ज्वाइन कर दिया राइट इसकी इक्वेशन लिखो इक्वेशन क्या है इसकी थ्री एक्स प्लस फोर वाई थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू सिक्सटी ठीक है अब इसने क्या किया इसने इस क्वाड्रेंट को दो सेक्शन में डिवाइड किया है एक है आपका टूवर्ड्स द ओरिजिन एक है आपका अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेडिंग कहाँ करनी है ओरिजिन से और इन इक्वालिटी से पूछ लो अगर मैंने यहाँ x एंड y की जगह 0 0 डाला तो 0 लेस देन 180 आएगा क्या ये बात सच है यस yes, मैम ये बात बिल्कुल सच है इसका मतलब इसकी शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी नेक्स्ट लाइन के क्वारिनेट्स जीरो तो पे आ जाएगा थर्टी कॉमा जीरो थर्टी कॉमा जीरो यहाँ आ जाएगा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो आपको लाइन मिलती है और ये वाली जो लाइन है ना ये लाइन भी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट को दो सेक्शन में डिवाइड कर रही है एक वो सेक्शन जिसकी शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन पॉसिबल है एक अवे फ्रॉम द ओरिजिन तो इस लाइन की शेडिंग कहाँ करनी है यह आपको इसकी इन इक्वालिटी और ओरिजिन का पॉइंट बता देगा तो आप इसकी इनक्वालिटी में एक्स एंड वाई की जगह पर जीरो रखेंगे तो जीरो टू थर्टी आएगा क्या जीरो थर्टी से छोटा होता है ये मैम इट्स ट्रू टी से ट्रू टी से टूवर्ड्स तो इसकी शेडिंग आप करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन इस डायरेक्शन में ओके और यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए लाइन क्या है एक्स प्लस थ्री वाई इज़ इक्वल टू थर्टी नाउ अब हमें फाइंड करना है फीजिबल रीजन फीजिबल रीजन वो रीजन होता है जहां पे दोनों ही लाइंस की जो शेडिंग है ना ओवरलैप कर जाए तो इसकी शेडिंग यहां इसकी शेडिंग यहां तो फीजिबल रीजन क्या होगा फिजिबल रीजन यहां पे आएगा अपना कौन सा वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ये फीजिबल रीजन कहलाएगा दिस इज द फिजिबल रीजन चेक करें क्या ये बात सच है देखो इसकी इसकी शेडिंग शेडिंग भी यहां से स्टार्ट हो रही है तो फीजिबल मतलब कॉमन तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पर्पल की शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है रेड की शेडिंग यहाँ से पर्पल की शेडिंग यहाँ से तो फीजिबल क्या होगा ये वाला हिस्सा ही होगा अब जब आपको फीजिबल रीजन मिल गया है अब आपको फाइंड करना है कॉर्नर पॉइंट कॉर्नर पॉइंट फीजेबल रीजन के बाउंड्रीज पे मिलते हैं वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये हो जाएगा एक ये वाला हो जाएगा एक ये और एक ये हो जाएगा ठीक है अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लो आप तो ये तो जीरो कॉमा ज़ीरो है ना ओरिजिन तो जीरो कामा ज़ीरो होता है ये क्या है दिस इज जीरो कॉमा टेन ठीक है 0, जी ये वाला पॉइंट क्या है ये पॉइंट है ट्वेंटी कॉमा ज़ीरो और ये पॉइंट कैसे निकालोगे? ये पॉइंट इंटरसेक्शन है इन दो लाइंस का। तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व करो आपको मिल जाएगा। तो दोनों लाइंस क्या है मेरे पास? लाइन है 3x plus 4y is equal to 60 और दूसरी लाइन है x plus 3y is equal to 30। मैं उसमें तीन का मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? 3x plus 9y

एक सेकंड ठीक है y हमारे पास 6 आ गया अब हम क्या करेंगे अब हम निकालेंगे x तो y तो 6 है x कैसे निकालोगे उस वाली इक्वेशन में रख दीजिए आप तो दिस विल बी x plus 3 6 आ 18 is equal to 30 right तो कितना आएगा x is equal to 30 minus 18 यानी कि कितना 12 तो x आ रहा है आपके पास 12 ठीक है जी तो यहां पे आप लिखेंगे 12.6

कॉर्नर पॉइंट और उसके साथ क्या लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो यहाँ पे आएगा आपका कॉर्नर पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन चलो सो दिस इज कॉर्नर पॉइंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मैक्सिमाइज़ करना प्रॉफिट को और प्रॉफिट क्या है आपका एट थाउजेंड एक्स प्लस ट्वेल्व थाउजेंड वाई सो कॉर्नर पॉइंट थे जीरो 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 कॉमा टेन ट्वेल्व कॉमा सिक्स ट्वेंटी कॉमा जीरो ये ही चार कॉर्नर पॉइंट थे चेक कर लें एक बार अपन जीरो 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 टेन ट्वेल्व सिक्स ट्वेंटी कॉमस जीरो ठीक फड़ है चलो फटाफट डालते हैं यहाँ पे तो ये तो जीरो आ रहा है यहाँ पे टेन डाला तो कितना आ जाएगा तीन जीरो हैं एक जीरो और लगा दो ट्वेल्व कॉमस सिक्स यहाँ पे डालेंगे आप तो कितना आएगा आ, दिस विल बिकम 96 सिक्स थाउजेंड और यहाँ पे सिक्स डाला आपने तो सिक्स ट्वेल्व सा सेवेंटी टू थाउजेंड एड कर दो छः सात आठ और ये अगर टेन होता तो सत्रह ये होगा वन सिक्स एट वन सिक्स एट एंड तीन जीरो ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास ट्वेंटी कॉमा जीरो सो ट्वेंटी कामा जीरो यहाँ डालेंगे एट टू सा सिक्सटीन उसके तीन जीरो और इसका एक ज़ीरो तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहां पे सबसे बड़ा नंबर है आपके पास ये तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट है आपके पास इतना और ये तब मिलता है जब आप मॉडल ए के बारह प्रोडक्ट बनाए और मॉडल बी के छह प्रोडक्ट बनाए ओके okay? तो आप लिखेंगे इधर कि मैक्सिमम प्रॉफिट इज रूपीज कितना वन सिक्स एट ट्रिपल जीरो और ये कब मिलता है वेन ट्वेल्व प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडल ए एंड सिक्स प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडल बी इज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ मॉडल बी इज मैन्युफैक्चर्ड तो आपने क्वेश्चन में इसी का आंसर देना है ठीक है क्वेश्चन वालों ने आपसे यही पूछा था देखो हाउ मैनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड तो हमने कहा मॉडल ए के बारह बनाओ मॉडल बी के छः बनाओ मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है वन सिक्स एट ट्रिपल जीरो सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है लेंदी हो जाता है क्योंकि आपको फॉर्मुलेशन समझना होता है ग्राफ देखो यहाँ तो ग्राफ बाउंडेड आ गया था अगर अनबाउंडेड होता तो आप जानते हो आपको वेरिफिकेशन भी करना पड़ता खैर ये तो काफ़ी सिंपल हो गया इस वे में सबसे पहले आप अपने एल पी पी लिखेंगे उसके बाद आप यहाँ पे फिर से लिखेंगे फिर आप ग्राफ बनाएंगे, देन आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला टेबल बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट वाला और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है ये बता देंगे ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है बस फॉर्मुलेशन पे ध्यान देना है और फॉर्मुलेशन के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि सबसे पहले ही आप ये टेबल बना दिया करो जो मैंने यहाँ बनाया है स्क्रीन लीजिए फिर चलेंगे आगे सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं इस बार आप लोग बहुत अच्छे से रीड करना खुद टेबल बनाना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना ठीक है चलो तो अगला क्वेश्चन है डाइट प्रॉब्लम पेपर में इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम या डाइट प्रॉब्लम लिखा नहीं आएगा पेपर में तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपका यहाँ से आएगा आपको खुद रीड करके समझना है ठीक है तो क्वेश्चन कहता है कि अ अ डाइटिशियन टू टू मिक्स टाइप्स ऑफ ऑफ फूड्स इन सच वे दैट कंटेंट द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट एट यूनिट्स ऑफ ए एंड टेन यूनिट्स ऑफ वाइटमिन सी एक डाइटिशियन है ठीक है वो कुछ मिक्सचर तैयार कर रहा है दो तरीके के फूड इसमें डाल रहा है फूड वन फूड टू ठीक है आगे आप रीड करेंगे फूड वन फूड टू है तो इस मिक्सचर में जो उसने एक नया मिक्सचर बनाया उस मिक्सचर में एटलीस्ट एट यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना चाहिए ठीक है विटामिन ए कितना एटलीस्ट एट यूनिट्स टेन यूनिट्स ऑफ विटामिन सी होना चाहिए तो ये अंडरस्टूड है एटलीस्ट एट यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एटलीस्ट टेन यूनिट्स ऑफ विटामिन सी इट इज अंडरस्टूड कि इसके लिए भी एटलीस्ट लिखा है इस मिक्सचर में एटलीस्ट एट होने चाहिए विटामिन ए और 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 टेन होने चाहिए विटामिन सी ठीक है इस मिक्सचर के अंदर फिर आप आएंगे आगे फूड वन कंटेन्स टू यूनिट्स पर केजी ऑफ दी ए एंड वन यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी अब जो दो डिफरेंट तरीके के फूड को आप मिक्स कर रहे हो ना तो वो पहला फूड है आपका फूड वन फूड वन में टू यूनिट्स पर के जी है वाइटामिन ए आप एक के जी फूड वन लेने जाते हैं तो उसमें आपको दो यूनिट्स वाइटामिन ए मिलती है और अगर आप एक के जी अपने फूड वन को लेने जाते हैं तो उसमें एक यूनिट वाइटामिन सी की है मतलब ऑलरेडी आप जो दो डिफरेंट टाइप्स के फूड को मिक्स कर रहे हो ना इनके अंदर खुद भी वाइटामिन ए और वाइटामिन सी है कितना वाइटमिन ए है इसके अंदर टू यूनिट्स पर केजी और यहाँ पे वन यूनिट्स पर केजी। फूड टू कंटेंट्स वन यूनिट पर के जी ऑफ वाइटामिन ओके जी एंड टू यूनिट्स पर के जी ऑफ वाइटामिन सी ठीक है इन दोनों फूड को मिक्स कर रहे हो इनके विटामिन ए और विटामिन सी पर केजी के हिसाब के से कितना कितना है वो पता है और उसके बाद ये चाहते हैं कि जब हम इन दोनों फूड का मिक्सचर बनाए ना तो हमारे जो न्यू मिक्सचर है उसके अंदर एटलीस्ट एट यूनिट विटामिन ए का होना चाहिए टेन यूनिट विटामिन सी का होना चाहिए हमारे मिक्सचर में ये तो हमको चाहिए ही चाहिए और जो दो डिफरेंट टाइप्स के आप फूड को ले रहे हो उनके खुद में कितने पर केजी के हिसाब से कितना है है, और C है, वो आपके पास गिवन है। अब आगे देखिए, कॉस्ट लगता है एक किलो खरीदने जाते हो अगर आप फूड वन को तो आपको पचास रुपए देने पड़ते हैं ठीक है इट कॉस्ट रुपीज फिफ्टी पर केजी टू पर आपको फूड वन और फूड टू को मिलाना है तो पहले लाना भी पड़ेगा लाने के लिए क्या बोला है कि अगर एक किलो लेके आते हो तो पचास रुपये दोगे फूड वन के लिए इसका एक किलो लेके आते हो तो सत्तर रुपये दोगे ठीक है फिर फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज अ एल पी पी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट आपको इस मिक्सचर के कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है यहाँ पे ये गिवन है कि अगर एक किलो लेके आते हो ना आप फूड वन को तो फिफ्टी रुपीज देना है अगर आप एक किलो फूड टू को लेके आते हो तो सेवेंटी रुपीज देना है अब मुझे नहीं पता मुझे कितना लगेगा फूड वन एंड फूड टू मिक्सर में तो उतना मुझे लेके आना पड़ेगा उतना लेके आना पड़ेगा इसका मतलब क्या कि अगर ये मिक्सचर बनाने के लिए मुझे एक्स के लगता है मेरा फूड वन तो मुझे कितने रुपए दुकान वाले को देना होगा एक्स के फूड वन खरीदने के लिए मैम फिफ्टी इन एक्स ठीक है इसके बाद मैं ही बना रही हूँ मिक्सर तो मैं फूड टू लेने जा रही हूँ अगर मुझे वाई के जी लगता है मिक्सचर में वाई के जी लगता है मिक्सर में और मुझे पता है कि एक के जी सेवेंटी रुपीज़ का आता है एक के जी सेवेंटी रुपीज़ का आता है मुझे तो वाई के जी लेना है तो मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे सेवेंटी वाई देने पड़ेंगे मतलब मुझे एक्स के जी फूड वन एंड वाई के जी फूड टू लेके आने के लिए टोटल कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे फिफ्टी एक्स प्लस सेवेंटी वाई और मुझे अपनी इसी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है मतलब मैं कम से कम इतना यूज करूं सामान उसमें कि जो मैं चाहती हूं कि मेरे मिक्सचर में एटलीस्ट एट यूनिट्स ऑफ विटामिन ए और एटलीस्ट टेन यूनिट ऑफ विटामिन सी आए मुझे मिक्सचर का यूज़ कम करना पड़े अपने फूड का यूज कम करना पड़े और इतना विटामिन आ जाए बताइए मुझे कितना कम से कम खर्चा करना चाहिए मुझे अपने कॉस्ट को कम करना है ठीक है सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले टेबल बना लो टेबल बनाएंगे आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है वाइटाम्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है ठीक है तो आप लिखेंगे दिस इज विटामिन ए यूज करना है सी यूज करना है आपके पास दो तरीके के फूड है फूड वन एंड फूड टू जिससे आपको मिक्स करना है और आपकी रिक्वायरमेंट भी है कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है कि जब आप ये मिक्सचर तैयार करें ना तो ए एटलीस्ट एट होना चाहिए वाइटामिन सी एटलीस्ट दस होना चाहिए ठीक है अब फूड वन में वाइटामिन कंटेंट वाइटमिन ए कितना है एटलीस्ट एट यूनिट्स फूड वन कंटेंट्स टू यूनिट पर के जी ऑफ वाइटामिन एंड वन यूनिट पर के जी ऑफ वाइटामिन सी फूड टू कंटेंट वन यूनिट पर के जी ऑफ वाइटामिन एंड टू यूनिट्स पर के जी ऑफ वाइटामिन सी ठीक है जी इट कॉस्ट रुपीज फिफ्टी पर के जी टू परचेज फूड वन अगर मैं पर के जी अगर मैं एक किलो लेके आती हूँ फूड वन तो पचास रुपए देने हैं और अगर एक किलो फूड टू लेके आती हूँ तो सेवेंटी रुपीज़ देना है चलिए जल्दी से एल बनाइए और कॉस्ट को मिनिमाइज कर दीजिए तो मैंने कहा ठीक है टेबल तो मेरा बन गया अब परेशानी कुछ है नहीं मुझे पता है एक्स एंड वाई क्या लेना है लेट एक्स बी द आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्या लेंगे आप कि आपने कितना फूड वन लिया ठीक है और कितना फूड टू लिया वो आपका वाई वाई हो जाएगा तो आप यहाँ लिखेंगे दिस इज़ एक्स दिस इज़ वाई ओके तो आप लिखेंगे लेट एक्स के जी एंड वाई के जी ऑफ फूड वन एंड फूड टू इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मिक्सर मिक्सर उस मिक्सर को बनाने के लिए आपको इतना इतना सामान लगेगा ठीक है तो आप लिख देंगे यहाँ पे टू प्रोड्यूस द मिक्सचर उस मिक्सचर को बनाने के लिए आपको इतना इतना सामान लग रहा है लेट एक्स के जी एंड वाई के जी ऑफ फूड वन एंड फूड टू इज़ रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मिक्सर आप इस तरीके से लिख देंगे ओके नाउ लेट इस मेक द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कॉस्ट को मिनिमाइज करना एक kg के जी लेके आते हो पचास रुपये की आपने खरीदा है एक्स के जी फूड वन का तो पचास एक्स लगेगा एक के जी खरीद के लाते हैं फूड टू का तो सेवेंटी रुपीज लगता है आपने खरीदा है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू देंटेंट क्या है यहाँ पे देखो जी वाइटामिन रहे न, इन दोनों को मिला रहे हो तो वाइटामिन यूनिट होना चाहिए एटलीस्ट एट यूनिट का मतलब क्या है कि एट तो होना ही चाहिए एट से ज़्यादा भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है हम कहते हैं ना पास होने के लिए एटलीस्ट थर्टी थ्री मार्क्स चाहिए तो थर्टी थ्री तो चाहिए थर्टी फोर लाओगे तो फेल हो जाओगे क्या नहीं थर्टी थ्री से ज़्यादा लाओगे तो भी पास हो जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वाइटामिन एटलीस्ट आपके मिक्सचर में एट यूनिट्स होना चाहिए तो आप कहेंगे कि एट या एट से ज़्यादा भी हो सकता है फूड वन में जब एक के आप लेते थे तो दो यूनिट का वाइटामिन ए है आपने लिया है एक्स के तो थे तो वन यूनिट वाइटामिन एगा ए होता था आपने मिक्स करना है वाई के तो कितना हो जाएगा वाइटामिन ए वन इंटू वाई दैट इज वाई मिक्सचर बना रहे हो इन दोनों का तो टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एट क्या बनेगा कंस्टेंट कंस्टेंट बनेगा यहाँ पे टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू एट चेक करो टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू एट इतना तो बनना चाहिए एटलीस्ट एट यूनिट्स ऑफ वाइटामिन ए होना चाहिए इस मिक्सचर में ये इसका वाइटामिन ये इसका वाइटामिन कम से कम आठ तो होना चाहिए आठ से ज्यादा भी आएगा तो हमें दुख नहीं होगा ठीक है तो एक कंस्टेंट तो आपका ये बन गया विटामिन सी के लिए भी कॉन्स्टेंट है इसमें भी वही बोला एटलीस्ट दस यूनिट तो होना चाहिए तो क्या बनेगा एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू टेन एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू टेन चेक कर लो एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू टेन और इसके बाद आप लिखेंगे अपने नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ये रहे आपके नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन और ये रही आपकी एल पी पी इस तरीके से आपको फॉर्मुलेट करना है ठीक है यहाँ जो पूरा खेल होता है ना वो इन in इनइक्वालिटी के साइन का होता है अगर ये आप समझ गए तो तो बाकी सब चीजें तो सिंपल है ठीक है इनने क्या बोला था कि ऐसा मिक्सचर बनाइए कि कम से कम एट यूनिट ऑफ वाइटामिन एंड एट यूनिट ऑफ वाइटमिन सी होना चाहिए एटलीस्ट मतलब एट या एट से ज्यादा भी होगा तो समस्या नहीं है इस लॉजिक को समझो ऐसे पास होने के लिए एटलीस्ट थर्टी थ्री मार्क्स चाहिए तो थर्टी थ्री या थर्टी थ्री से ज्यादा आएंगे तो भी आप पास होगे राइट तो बस वही है कि ये दोनों वाइटमिन ए है एट तो होना है एट से ज़्यादा भी होगा तो दुख नहीं है एटलीस्ट एट यूनिट्स इसी तरीके से ये दोनों वाइटामिन सी है एटलीस्ट दस होना चाहिए दस या दस से ज़्यादा भी होगा तो भी कोई समस्या नहीं है और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन अब क्या करेंगे आप अब आप एक एक कंस्टेंट को पकड़ेंगे और उसको इक्वेशन में चेंज करके क्लास टेंथ में जाएंगे और एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे सो so ये रहा आपका पहला इनइक्वालिटी टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एट इसे इक्वेशन में चेंज करें आप टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट फिर आप क्लास टेंथ का टेबल बनाइए ये रहा आपका टेबल दिस इज एक्स दिस इज वाई चलो जी एक्स को जीरो ले लो तो वाई एट आ जाएगा वाई को जीरो लो तो एक्स फोर आ जाएगा नेक्स्ट इन इक्वालिटी को पकड़िए नेक्स्ट इन इक्वालिटी है आपके पास एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टेन क्या करेंगे मैम इक्वेशन बनाएंगे वेरी गुड चलो जी इक्वेशन बनाओ x प्लस टू फाई इज इक्वल टू टेन अब क्या करोगे अब बनाएंगे. ये रहा, x, ये रहा, y को जीरो लिया तो x टेन आया दिस इज टेन इसके बाद x को जीरो लेंगे तो y फाइव आया टू वन जर टू फाइव जर टेन ठीक है तो आपने इन सभी कॉन्स्टेंट्स को पहले इक्वेशन बनाया टेंथ क्लास के मेथड से टेबल बनाया अब आप निकालेंगे ग्राफ पेपर और ग्राफ पेपर पे करेंगे इसको प्लॉट ठीक है तो ये रहा आपका वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है जी अब क्या कर लें अब यहाँ पे लिख देते हैं ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा आपका ओरिजन तो हमारे पास क्वारडिनेट कैसे हैं छोटे छोटे से तो जीरो से लेकर दस तक मैं पूरा लिख देती हूँ ये ओरिजिन यहाँ लिख दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है इधर भी आ जाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड दिस इज टेन ओके जी क्लियर है ये हमने मार्क कर दिया आप जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे ना तो आपका ग्राफ बहुत परफेक्ट बनेगा यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्केल भी देखो तो डिफरेंस आ, आ जाता है यहाँ जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट डिफरेंस होता है ठीक है चलो अब नेक्स्ट है अपना प्लॉट करना जीरो एट ऐसे ऐसे नहीं लेना ऐसे ऐसे लेना जीरो तो जीरो पे मिलेगा फोर कॉमा जीरो मिलेगा ठीक है ड्रॉ कर दो आप लाइन को लाइन को ड्रॉ कर दीजिए ये जा रहा है ऐसे ठीक है यस मैम अब क्या करें इसकी लाइन का नाम लिख दो लाइन का नाम क्या है 2x plus y is equal to 8 ओके okay, जी फिर अगली लाइन 10, 0 x है 10 y है 0 सो so, 10, 0 फिर 0, 5 दिस इज 0, 5 अब क्या करें जॉइन कर दीजिए आप इन्हें चलो जी जॉइन करते हैं ये जा रही है आपकी लाइन ओके okay, अब इस लाइन का नाम लिख दो नाम क्या है इसका एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टेन लिखोगे तो काम कर दिया शेडिंग भी पता कर ले इसकी हमने पता ही नहीं करी चलो अब पता कर लेते हैं ये जो रेड लाइन है इसने आपके क्वाड्रेंट को दो सेक्शन में डिवाइड किया तो है टूवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेडिंग कहां करनी है मैम इसकी इनइक्वालिटी से और ओरिजिन से पूछ लो बिल्कुल सही जवाब तो ये रही इनिक्वालिटी यहां पे डाल दें आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जीरो जीरो तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एट अगर मैंने यहाँ जीरो जीरो डाला तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एट और ये बात तो बिल्कुल फॉल्स है फॉल्स में आता है ए ए का मतलब है अवे तो अवे फ्रॉम ओरिजिन आप इसकी शेडिंग करेंगे यानी इस रेड लाइन की जो शेडिंग है राइट right, ये कहाँ होगी अवे फ्रॉम द ओरिजिन इस डायरेक्शन में होगी अब इस पर्पल लाइन की शेडिंग पता करते हैं इसने भी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट को दो सेक्शन में डिवाइड किया है एक है टुवर्ड्स द ओरिजिन एक है अवे फ्रॉम द ओरिजिन चलो इसकी इनइक्वालिटी से और ओरिजिन से पूछ लेते हैं यहाँ पे अगर हमने 0 0 डाला तो क्या मिलेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आपको मिलेगा यहाँ पे कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और ये बात तो बिल्कुल फॉल्स है और ए से होता है अवे तो आपको शेडिंग करनी है अवे फ्रॉम द ओरिजिन यानी आप इसको भी शेड करेंगे ओरिजिन से दूर की तरफ तो यहाँ पे आपका फीजिबल रीजन क्या आएगा जी कोई बताएगा फीजिबल रीजन क्या आएगा मैम फीजिबल रीजन होता है जहाँ पे दोनों लाइंस की शेडिंग कॉमन होती है तो अगर हम देखें ना ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है सब बाहर की तरफ ही जा रहे हैं है ना सब अगर बाहर की तरफ जा रहे हैं तो कॉमन वाला रीजन लो जो बाहर की तरफ जा रहा है तो वो रीजन क्या होगा वो रीजन होगा ये ठीक है रेड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये पीछे से है ये यहाँ से तो कॉमन तो इधर ही आएगा इस तरीके से आपको मिलेगा फीजिबल रीजन राइट ये इधर से है ये इधर से है तो कॉमन एरिया तो यही होगा तो ये रहा आपका फीजिबल रीजन मुझे कोई बताएगा ये फीसिबल रीजन कैसा है अनबाउंडेड है तो आपको एकदम तैयार हो जाना है अनबाउंडेड है इसका मतलब वेरिफिकेशन करना होता है सबसे पहले तो रीजन मिल गया कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल बनाते हैं उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो शायद सबसे छोटी वैल्यू हो या ना भी हो क्यों क्योंकि ये रीजन अनबाउंडेड है तो so, वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे जो भी छोटी वैल्यू आई है वो और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके हेल्प से एक स्ट्रिक्ट इनिक्वालिटी को कंस्ट्रक्ट करेंगे ठीक है तो आई होप 12.1 पॉइंट वन आपने सॉल्व किया है तो ये सारी चीजें आपको नई नहीं, नहीं लग रही होगी राइट right? चलो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं तो कॉर्नर पॉइंट क्या होगा आपके फीसिबल रीजन में जहां पे भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है वो आपका पॉइंट हो जाता है तो एक आपका पॉइंट पॉइंट ये ये है एक ये है एक और एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये है चलो इसके क्वाडिनेट सीख देते हैं तो इसके क्वारिनेट क्या है जीरो कॉमा एट इसका क्वारिनेट क्या है आप लिखेंगे यहाँ पे टेन कॉमा जीरो ये क्या होगा मैम ये रेड लाइन और ब्लू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आप एलिमिनेशन लगा दो बिल्कुल सही जवाब चलो तो रेड लाइन का नाम है टू एक्स प्लस वाई टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट ब्लू लाइन का नाम है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टेन में टू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो बन जाएगा टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी सब्ट्रैक्ट कर दो आप इन्हें ये चला गया है ना यहाँ पे कितना आएगा माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस बारह ठीक है जी माइनस माइनस चला गया थ्री वन जा थ्री फोर y तो वाला कोऑर्डिनेट तो चार आ रहा है राइट चलो x वाले कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं तो x वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास x वाले कोऑर्डिनेट के लिए आप y वाले कोऑर्डिनेट को यहाँ सब्सिट्यूट कर दो अगर मैंने यहां चार रखा तो एट माइनस चार इज चार डिवाइडेड बाई टू मतलब आपको मिलेगा टू सो दिस इज टू कॉम फोर ठीक है तो हमें ये सभी कोऑर्डिनेट्स मिल गए अब हम बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल तो आ जाइए तो तो आपको ना तैयार रहना है यहां पे जरूरी नहीं है कि यही छोटी वैल्यू होगी जो मैं फाइंड करने जा रही हूं दिस इज माई कॉर्नर पॉइंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज करना क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 50x एक्स प्लस सेवेंटी तो आप लिखेंगे 50x एक्स सेवेंटी वाई ठीक है जी अब कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है कॉर्नर पॉइंट है मैम कहाँ गया जीरो टू कॉमा फोर टेन कॉमा जीरो 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 कॉमा एट टू कॉमा फोर और उसके बाद टेन कॉमा जीरो सब्सिट्यूट कीजिए यहां पे तो सेवन एट जिफ्टी सिक्स ये रहा जीरो फिफ्टी टू फिफ्टी इंटू टू हंड्रेड प्लस फोर जीरो जो फोर सेवन जो ट्वेंटी एट तो ये आएगा तीन सौ अस्सी टेन डालो यहाँ पे तो फाइव हंड्रेड सबसे छोटी वैल्यू क्या है सबसे छोटी वैल्यू थ्री एट्टी है लेकिन आप लिखेंगे यहाँ पे द मिनिमम वैल्यू मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू थ्री एट्टी मे और मे नॉट बी है ना आप लिख सकते हैं कि 380 may मे और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू सिंस द रीजन इज अनबाउंडेड तो आप लिखेंगे यहां द रीजन इज अनबाउंडेड है ना 380 may मे और मे नॉट बी मे और मे नॉट बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू द value वैल्यू सही बात है हो सकता है ये मिनिमम हो हो सकता है ये मिनिमम ना भी हो तो मैम क्या करेंगे अब अब हम इस मिनिमम वैल्यू और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ एक स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू फंक्शन क्या है फिफ्टी एक्स प्लस सेवनटी वाई लेस देन मिनिमम वैल्यू क्या है थ्री एटी मिनिमम वैल्यू इज थ्री एटी ओके सो फिफ्टी एक्स प्लस सेवनटी वाई क्योंकि मिनिमाइज करना है तो लेस देन और यहाँ लिखेंगे आप थ्री एटी राइट डन इस मिनिमम वैल्यू और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ स्ट्रिक्ट इनिक्वालिटी आपने बनाया अब आप इसे प्लॉट करने जाएंगे तो प्लॉट करने के लिए इसे इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है आपको बस मैम कुछ नहीं करना इज इक्वल टू का साइन बना देना है बिल्कुल सही जवाब जीरो बाहर ले लो तो फाइव एक्स सेवन थर्टी एट अब क्या करोगे क्लास टेंथ में जाएंगे और टेबल बनाएंगे दिस इज एक्स ये रहा वाई एक्स को जीरो लिया तो y आएगा 38 एट बाई सेवन थर्टी एट बाई सेवन का मतलब क्या होगा अपने लिए फाइंड कर लो सेवन फाइव 35, थर्टी फाइव यहाँ पे आएगा तीन है ना छः सात आठ यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ज़ीरो सेवन फोर मतलब फ़ाइव पॉइंट फोर समथिंग ठीक है ये क्या है फ़ाइव पॉइंट फोर समथिंग है ऐसा मैं लिख के रख लेती हूँ प्लॉट करने में आसानी जाएगी इसके बाद मैं वाई को जीरो ले लेती हूँ तो एक्स क्या आएगा मेरे पास फाइव सेवन जटी ठीक है उसके बाद तीन ऑफ समथिंग आएगा, राइट right? तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए अब मुझे जाके इसे प्लॉट करना है चलो जी प्लॉट करते हैं तो जीरो सेवन पॉइंट सिक्स चलो सेवन पॉइंट सिक्स यहां पे होगा अब आपको ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना है लेकिन याद रखिएगा आप डॉटेड लाइन से कनेक्ट करेंगे कोई बताएगा क्यों क्योंकि स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी है डॉटेड लाइन से बनाने का मतलब ये है कि ये जो है ना ये जो स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी है ये जो डॉटेड लाइन हमारी जा रही है यहां से इस तरीके से ऐसे ही कुछ पास होगी ये ठीक है ये जो डॉटेड लाइन है हमारी इस पर रखे हुए किसी पॉइंट को हमको नहीं लेना है राइट तो ये इस तरीके से कुछ चली जाएगी जब आप इसे ज्वाइन करेंगे स्केल से तो परफेक्टली ये इधर से ही पास होते हुए जा रही है लेकिन लाइन आपकी डॉटेड है तो आप स्केल से अच्छा बनाएं इसको अब आपको पता करना है कि इसकी शेडिंग यहाँ करनी है या फिर यहाँ करनी है तो इसकी शेडिंग पता करने के लिए हम क्या करेंगे इस स्ट्रिक्ट इन की जो लाइन लाइन है ना इसने हमारे फर्स्ट क्वार्रंट को दो सेक्शन में डिवाइड किया है टूवर्ड्स द ओरिजन अवे फ्रॉम द ओरिजन ओरिजन से और इनइक्वालिटी से पूछते हैं शेडिंग कहाँ करनी है तो ये रही हमारी इनइक्वालिटी ओरिजन रखा तो जीरो लेस थ्री आ रहा है क्या जीरो थ्री एट्टी से छोटा होता है तो आप कहेंगे यस मैम डेफिनेटली छोटा होता है आप यहाँ पे लिखेंगे जीरो इज डेफिनेटली लेस देन थ्री एट्टी हमने यहाँ पे जीरो जीरो रखा छोटा होता है इट इज ट्रू और ट्रू है तो शेडिंग कहाँ होगी शेडिंग होगी टूवर्ड्स द ओरिजिन चलो जी ओरिजिन के टूवर्ड्स शेड करते हैं तो ये रहा ओरिजिन आपको शेड करना है इस डायरेक्शन में तो इसकी शेडिंग यहाँ पे कहीं हो रही है अब हम क्या देख रहे हैं कि इसकी शेडिंग और फीजिबल रीजन की शेडिंग में कुछ भी कॉमन नहीं है राइट तो ये तो अच्छी बात है अगर फीजिबल रीजन और स्ट्रिक्ट इनक्वेलिटी की शेडिंग में कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब हमारी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है वो ही इसका आंसर है ठीक है तो आप लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस देयर इज नथिंग कॉमन सिंस देयर इज नथिंग कॉमन सिंस देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन

फोर के जी खरीदेंगे फूड टू और फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है वैसा खाना बन जाएगा राइट आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है रीजन अनबाउंडेड था चीजों का ध्यान रखना है इसीलिए कह रही हूँ ग्राफ पेपर पे बनाओ तो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चलते हैं सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर है 12.2 पॉइंट टू एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो बस एक हल्का सा आइडिया आपको होना बहुत ज़रूरी था कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को टारगेट किया जाता है सोल्यूशन का तरीका तो वही है जो आपने 12.1 पॉइंट वन एक्सरसाइज में सीखा था नया क्या सीखा आपने फॉर्मुलेशन कि कैसे बड़े बड़े स्टोरी प्रॉब्लम्स को रीड करके डी करना है और आपको फॉर्मुलेट करना है अपने एल पी पी को ओके स्टूडेंट्स सो आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास के जी टू क्लास ट्वेल्थ आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कोर्सेस बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं आपको कोई भी कूपन कोड या कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं देना है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका एंटायर कोर्स यहाँ कंप्लीट कराया जाता है एंड स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन पे क्लास के टू क्लास ट्वेल्थ आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है और ये सभी बुक्स एंड ई बुक्स को आप लोगों के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में बनाया गया है जैसे मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सल्यूशन बुक थ्योरी बुक एम बुक एक्सेट्रा अगर आपको ये सभी बुक्स एंड ई बुक्स चाहिए तो आपको क्या करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिल जाएगा आपको उस फॉर्म को फिल करना है और हमारी टीम बहुत जल्दी आप लोगों से कम्युनिकेट करेगी टिल देन स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ड्रीनस के